आज मैथ का चौथा क्लास है, इसे ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करिएगा ताकि बार बार आपका मोबाइल पर आता रहेगा, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए M4 इसको लिख दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत। तो देखिए स्क्वायर रूट के बारे में बता रहे हैं, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसे पूछा हुआ है कि 0.9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा। तो कुछ कुछ जो है अधिकांशतः लड़के इसको बता देते हैं कि 0.3 होगा, इसीलिए इसको पूछा, ये बहुत सा कंपटीशन में पूछा हुआ है। तो देखिए हम कुछ सिखा रहे हैं जिसको ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको जैसे मान लिया कि कोई पूछ दिया कि 0.1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.1 जो है, 0.1 अगर कोई कह रहा है 0.1 रुपया, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, 10 पैसा। तो 10 पैसा है तो 10 के अगर वर्गमूल निकालिएगा तो सबसे पहले तो 3 से लगेगा, 3 या 9, 3 से लगेगा। आई पॉइंट है तो इसके बाद जो है यहाँ पॉइंट दे दीजिए, तो 0.3 से इसका वर्गमूल शुरू होगा। मान लिया कि कोई कह दिया कि 0.2 का वर्गमूल बताओ कि क्या होगा, तो 0.1 अगर रुपया कहा जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 पैसा, 0.1 रुपया का मतलब 20 पैसा। तो 20 का अगर वर्गमूल आप निकालिएगा तो जो पहला भाग दीजिएगा वो कैसे लगेगा, 20 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 से लगेगा, 4 चौका 16, 5 से अगर लगाइएगा तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 4 से लगाइए, पॉइंट है तो ऐसे दे दीजिए, तो ऐसे इसका वर्गमूल। 0.2 का वर्गमूल देखिए 0.4, अभी इधर डॉट डॉट जाएगा लेकिन पूछेगा एक अंक। अब इसके बाद मान लिया कि आपसे पूछ दिया कि 0.7 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.7 का वर्गमूल पूछ दिया, तो 0.7 रुपया समझिए, तो 0.7 रुपया का मतलब 70 पैसा। तो 70 में अगर 70 का वर्गमूल अगर निकालने चलिएगा तो कितना सा भाग देना पड़ेगा, 88 64, 99 तो 81 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि 8 से ही शुरू होगा, तो ऐसे दे दीजिएगा 0.8 इसका वर्गमूल हो जाएगा। मान लिया कि 0.6 का वर्गमूल कोई कह दिया कि क्या होगा, तो 0.6 रुपया का मतलब समझिएगा 60 पैसा। तो 60 में 60 का अगर वर्गमूल निकालने चलिएगा तो कितना से भाग लगाइएगा, तो 77 49 हो जाएगा, 88 64 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 7 से शुरू होगा ना, तो 0.7 इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब बताइए उसी तरह से इसको बता दीजिए 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 0.9 रुपया का मतलब हो गया 90 पैसा, तो कितना से भाग लगाइएगा, 99 81, तो 9 से भाग लगाए तो 0.9 से शुरू होगा। तो यह जो है से पूछा हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इसका वर्गमूल इतना है तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसको सबसे पहले इसमें 0.9 नहीं होगा तो हटा दीजिए, तो ऐसे इसको कर दीजिए कि इतना 2200, और इसके बाद ऐसे रूट में घेर लीजिए, प्लस इसको क्या कीजिएगा, इतना बाई क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 0 दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए, इसमें भी 0.5 हटा दीजिए, तो 0.5 हटा दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, कै जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 और 2 6 0 हो गया, ऐसे कर दीजिए। अब इसके बाद जो है से अब इसको निकालिए, तब निकालने चलिएगा तो ये ऊपर वाला के वर्गमूल क्या होगा, तो ऊपर वाला के देखिए दिए हुए है इतना बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा 100 का, इसका वर्गमूल क्या दिए हुए है, इसका वर्गमूल दिए हुए है 78, अब बाई इसका क्या आ जाएगा, 1 पर 4 0 है तो 100 हो जाएगा। अच्छा इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ये तो 78 दिए हुए है, आई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 है तो 3 0 आ जाएगा। अब जो है से इसको क्या कीजिएगा, तो ये 7.8 हो गया, आई क्या आ गया, 0.78 आ गया, आई क्या आ जाएगा, तो 7 8 दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए ना, तो एगो यहाँ 0 यहाँ। अब इसको जो है से आप जोड़ ले सकते हैं, आज जोड़ लीजिएगा तो यही क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा तो दशमलव के जगह रखें। और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानिए, और परिमेय संख्या देखिए तो जैसे √3 जान रहे होंगे पहले से, √3 है, √2 है, इस तरह से ये सब अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल ना निकलता सीधा सीधे। अब देखिए यह जो है से पूछा हुआ है पाई
तो पाई जो है से एक अपरिमेय संख्या है। पाई का रफली वैल्यू जो होता है, मैथ बनाने के लिए हम लोग रफली वैल्यू का यूज कर लेते हैं। रफली वैल्यू बराबर होता है 22/7, लेकिन और जो है से यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, रफली वैल्यू है। आई जो है ई एक अपरिमेय संख्या है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी। इसका मतलब होता है कि 1 + 1/1 + 1/1 × 2 और 1/1 × 2 × 3 इस तरह से जो है सही आगे में जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो देखिए ई पर ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया आपका चर घातांकी। इसका मान देखिए क्या कैसे होता है। 1 + 1/1 + 1/1 × 2 + 1/1 × 2 × 3 + 1/1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से जो है सही अनंत तक चला जाएगा। तो एक का एक तो 2 हो जाएगा। ये जा देखिए एक का एक 2 आ इधर जो है अभी पॉइंट में जाएगा। तो इसका मान जो है, इसका मान जो आ जाता है वो लगभग क्या आ जाता है, तो 2.7 .. ऐसे आता है। अब याद रखिएगा कि ई का मान जो है से 3 से छोटा लेकिन आता है और 2 से हमेशा बड़ा आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक का एक 2 हो गया, 2.0 कुछ आ रहा है, 2.7 इस तरह से आता है। तो इसका मान 3 से छोटा होता है, 2 से बड़ा होता है। पाई आई क्या है, तो पाई आई दोनों जो है से अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए a + b + a² + b² + c² + d² + e² इस तरह से मान लिया कि 0 है, कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए अगर किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो क्लियर है कि वह पॉजिटिव होगा, किसी भी संख्या का वर्ग पॉजिटिव होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम सब पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं तो मेरा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि a = b = c = d सब बराबर होगा, सब प्रतीक का मान 0 होगा, तभी 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं हो सकता है। अगर किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे वह पॉजिटिव आ रहा है, आ इस तरह से जो है इसका भी वर्ग पॉजिटिव आएगा, इसका भी वर्ग सब के जोड़ रहे हैं तो टोटल 0 आ रहा है। इसका मतलब कि प्रत्येक संख्या 0 है, और प्रत्येक 0 है तो 0 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर, इसलिए 0 आया है। देखिए इस कंसेप्ट पर जो है से यहाँ वो पूछा हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का। देखिए 30 का स्क्वायर 2x - y का होल स्क्वायर + 3y - z का होल स्क्वायर = 0 है। तो कह रहा है कि x/y / z का मान क्या होगा। तो 20 स्क्वायर, तो इसका मतलब भी पॉजिटिव है। अब 20 स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव है, अब बराबर 0 है, तो दोनों दो पॉजिटिव संख्या है उसका जोड़ जो है से 0 है, और दोनों पॉजिटिव संख्या, इसका मतलब कि दोनों संख्या अलग अलग भी 0 है। तो इसका मतलब है कि 2x - y must be equal to 0। 2x - y का मान जो है ये वाला 0 होगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 2x = y आ जाएगा। और उसी तरह से ये वाला दीजिए 3y - z = 0 होगा। तो इसका मतलब है कि 3y = क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो 3y = z आया, तो यहाँ से आप देखिए निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब कि x / y = क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x / y = आ जाएगा 1/2। आई y / z = कितना आ जाएगा, y / z का मान निकालेंगे तो y / z = आ जाएगा 1/3। तब x/y / z निकालना है, तो देखिए अनुपात निकालने का एक नियम बता रहे हैं। x/y / z कैसे, तो x के जगह पर लिख दीजिए 1, y x/y = 1/2 है, तो इसके जगह पर 2 रखिए। अब इसके बाद जो है से y के जगह पर 1 रख दीजिए, और इसके बाद जो है से z के जगह पर 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखिए। अब इसको जो है से अनुपात निकालना है, तो ऐसे गुना कीजिए, पहले इससे फिर इसको और फिर इसको, इस तरह से ऐसे बढ़िए। तो पहले 1 + 1 में गुना कीजिए तो 1, और वह अनुपात क्या आ जाएगा, 2 + 1 में गुना कीजिए तो 2 + i में गुना कीजिए तो 6। तो 1:2 क्या जाएगा, 6। इस तरह से इसका आंसर आ गया, 1:y / z = क्या आएगा,
एक अनुपात दो अनुपात छ। चलिए अब इधर आते हैं, देखिए 2018 में पूछा हुआ, ए प्लस बी के दी होल क्यूब प्लस ए माइनस बी के दी होल क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर डॉक्टर। तो ये तो फार्मूला थोड़ी है, और क्या कीजिएगा, फार्मूला थोड़ी है। ए प्लस बी के दी होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस आइए, अब इसको जो है से तोड़ देते हैं ना, प्लस है तो प्लस यहाँ लिखते हैं और इसको तोड़ देते हैं तो ए क्यूब और प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी कीजिएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी ऐसे आ जाएगा, और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर तो थ्री ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस बी क्यूब तो ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा। आ इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस लिख देते हैं यहाँ, आ इसको गुणा कर लीजिए, सिक्स ए क्यूब आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा सिक्स माइनस में आ जाएगा सिक्स ए और बी स्क्वायर। अब देखिए जो जो फट रहा है उसको काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पर जो है से कौन कौन कटेगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी आई प्लस थ्री ए स्क्वायर बी है, तो देखिए ये आई तो कट गया सीधा सीधी। फिर इसके बाद देखिए ये थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर तीन और तीन छ, छ ए बी स्क्वायर माइनस छ है, तो देखिए ई कट गया, ई कट गया, ई पूरे कट गया। अब इसके बाद आइए यहाँ पर जो है से थ्री ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब यहाँ नहीं लिख पाए थे, देखिए बी क्यूब छूट गया था, यहाँ पर बी क्यूब एक लिखना है, प्लस क्या करिए कि बी क्यूब लिखिए, तो देखिए ऐसे आ गया, तो ई आई क्या हो गया, ई आई भी कट गया। तो मिला जुला के जो आंसर आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो ए क्यूब है, आई क्या है ए क्यूब आई ए क्यूब तो टू ए क्यूब, आई क्या है छ तो छ व दो आठ तो आठ ए क्यूब, यही आंसर आ गया आपका, तो ये तो सीधा सीधी था। चलिए अब जो है से इसमें आइए, एक्स बाई वाई बराबर तीन बटे चार है, तो इसका मान बताना है, देखिए 2016 में, तो इसका मतलब एक्स बाई वाई बराबर अगर तीन बटे चार है तो एक्स बराबर समझिए कि तीन है और वाई बराबर क्या है चार है, समझिए वाई बराबर चार है, इसमें कॉन्स्टेंट शामिल कर सकते हैं कि इतना के है इतना के है। तो देखिए अब इसको बनाने चलिएगा तो क्या बनाइएगा, तो छ बटे सात जोड़ वाई का मान दीजिए, तो y का मान दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, y का मान चार के और घटाओ तीन के तो आ जाएगा के और बटे, और फिर क्या आ जाएगा चार के और प्लस तीन के तो सात के आ जाएगा, तो के तो कट गया, और लघुत्तम तो लीजिएगा तो सात आ जाएगा, तो सात आ जाएगा ऊपर भी आपको सात ही आ जाएगा, तो ये आई कट गया, तो इसलिए इसका आंसर एक आ गया, यह 16 में आया था। और देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी तथा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में उभयनिष्ठ गुणक है, में एक जो है सब उभयनिष्ठ गुणक है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो दोनों को ध्यान से देखकर, अगर दोनों को हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि अगर एक्स का मान हम एक पुट कर दे, पुट एक्स बराबर वन, तभी क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आपको क्या वन के स्क्वायर आ प्लस ए गुने वन आ प्लस बी बराबर जीरो, आई क्या बन जाएगा वन के स्क्वायर आ प्लस बी गुने वन आ प्लस ए बराबर जीरो, तो दिस इम्प्लाइज वन प्लस ए प्लस बी बराबर क्या बन गया जीरो, आई भी बन गया वन प्लस बी प्लस ए बराबर जीरो, तो देखिए दोनों सेम बन गया, इसका मतलब है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा एक्स का जो वैल्यू आएगा उभयनिष्ठ जो मूल होगा वो वन होगा, तो ए जोड़ बी वन जोड़ ए जोड़ बी बराबर इतना है, तो इसमें अगर ए जोड़ बी बराबर कोई पूछ दे कि ए जोड़ बी बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा, तो यह आपको पूछा हुआ है 2016 में कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो देखिए माइनस वन आएगा। आप देखिए इसमें पहचानना है कि कौन बड़ा है पहचानी, तो देखिए ऐसे है इसका परिमेयीकरण करके देख लीजिएगा, आ इसको अगर बनाइएगा तो देखिए तो ऐसे ही कुछ पहचान आ रहा है, एक पावर क्या दीजिएगा माइनस दो, तो उतरे एक ही रह जाएगा,
और 2 को पार -2 दे दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि उसको ऊपर लेके जाइए तो 2 को पार 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4। तो सबसे बड़ा तो यही आ जाएगा, ये तो छोटा आएगा, 8 से भाग दीजिएगा अगर तो 8 × 2 = 16, 2 पॉइंट कुछ ही आएगा, ये भी छोटा ही आएगा, ये भी छोटा, तो सबसे बड़ा आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से ही सारा क्वेश्चन जो है से हल हो गया। हाँ देखिए आप बता रहे हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम भाग देने के लिए है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इसमें इससे अगर भाग दें तो शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर इसमें इससे आप भाग देने लगिएगा तो भाग देने के बाद तो रिमाइंडर ऐसे करेगा, तो भाग देने आता होगा तो भाग दीजिएगा, तब ऐसे आपको देना पड़ेगा कि 3y² + 4y + 2। तो इसमें आप भाग दीजिएगा किससे, तो y-1 से दीजिएगा, तो y-1 से अगर भाग दीजिएगा तो वैसे आपको भाग देना पड़ेगा, सबसे पहले कितना बार लगेगा y² बार लगेगा, तो ये जाएगा y³ और माइनस क्या आ जाएगा y² आ जाएगा, तब इसको घटा दीजिएगा तो ये कट गया, तो ये आपको क्या आ गया -2y² आ गया, अब +4y अब +2, तो फिर इसके बाद क्या बार लगेगा तो -2y बार लगेगा, तो ये जाएगा -2y² आ जाएगा, अब फिर -± + हो जाएगा, क्या जाएगा 2y आ जाएगा, फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो ये प्लस आई हो जाएगा चिन्ह माइनस, तो देखिए ये कट गया, आई आपका आ गया क्या 2y और +2, तो इसके बाद कई बार लगाइएगा तो 2 बार लगेगा आपका, तो 2 बार लगाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2y और -2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सब इसको घटाइएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये कट गया, आई आ गया 2 और 2 = 4, तो यह आंसर हो गया 4। लेकिन देखिए इसमें जो है से देर लग गया, अब इसका जो है से दूसरा तरीका से बनाते हैं, ऐसे ना बनाते हैं, देखिए दूसरा तरीका से सीखिए इसको, ऐसे सीखिए, उससे भी आंसर 4 ही लाएंगे, इससे आंसर 4 लाए, लेकिन इस तरीका से सीखिए सेकंड तरीका, सेकंड मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है कि पुट y-1 = 0, y-1 = 0 पुट कीजिए, तो y = 1, तो y = 1 जो है से इसमें पुट कर दीजिए, तो शेष आपको ही निकल जाएगा रिमाइंडर, तो 1³ - 3 × 1² और +4 × 1 और +2, तो देखिए 1 आ गया -3 और +4 आ गया +2, तो देखिए 4 × 2 = 6 आ गया, 6 × 1 = 7 और 7 में से 3 घट गया तो क्या आ गया 4, तो देखिए 4 ही आंसर आया। ऐसे बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा, ऐसे नहीं बनाना है। और देखिए k के किस मान के लिए यह जो है इसका एक गुणनखंड होगा, यानी इससे भाग लग जाएगा, तो इसमें क्या कीजिएगा तो इसको बनाइए पुट x + 3 = 0, दिस इंप्लाइज x - 3, तो एक्स का मान अगर -3 पुट करिएगा तो एक्स का मान -3 एक में पुट कीजिए, तो 3 × x² है तो -3 k² और फिर क्या है +k × आई क्या आ जाएगा -3 और +6 = 0 कर दीजिए। तो अभी देखिए माइनस क्या है -3 k, तो इसको ऊपर लेके चल जाइए, आई 3 × 9 हो गया और 9 × 3 = 27 27 आई इसके बाद क्या आ जाएगा 27 और 6 आ जाएगा, तो 6 × 6 = 12 = 13 = 31 क्या आ गया 3 k, ये हो गया 3, ये वाला 3 लिख दिया है, आ x का मान क्या आ गया -3, तो -3 k² +k × -3 + 6 = 0 आ गया। अभी 3 − 3 ² कीजिएगा तो वो तो प्लस ही रह जाएगा, तो 3 × 9 और 9 × 3 = 27 और 27 और 6 जोड़ दिए तो 6 × 6 = 12 = 13 ना आ गया, 9 × 3 = 27 आ गया, देखिए 27
तीन दिया नौ दिया सताईस छः, तो छः छः बारह एक तेरह आई तैंतीस हो गया। तो ये आपका आ गया तैंतीस, तो तीन से काट दीजिए उधर गया है, तो इसलिए के का मान आपका क्या आ गया ग्यारह आ गया। देख लीजिएगा फिर, देखिए इतना तथा इतना को एक माइनस चार से भाग देने पर शेष समान आता है, तो ए का मान क्या होगा देखिए 2012 में। तो देखिए इसे एक माइनस चार से अगर भाग देंगे तो पुट एक माइनस चार बराबर जीरो, तो एक बराबर चार इसमें पुट कीजिए। एक माइनस चार का मान अगर हम पुट करेंगे एक माइनस चार बराबर जीरो, तो इसका मतलब है कि एक बराबर क्या चार पुट करना पड़ेगा। तो एक बराबर चार पुट कीजिए इसमें या इसमें, आप दोनों को सेम कर दीजिए, इसलिए कि शेष जो है समान आता है। तो देखिए ए इंटू क्या आ जाएगा चार गुने चार गुने चार और प्लस तीन इंटू और एक्स का मान चार पुट कीजिएगा चार गुने चार और माइनस तीन, तो ये तो शेष आएगा, तो शेष इसका इसका समान ही आता है, तो इसमें भी पुट कर दीजिए दो गुने और चार गुने चार गुने चार और माइनस पाँच गुने क्या आ जाएगा पाँच गुने आपको आ जाएगा चार और प्लस ए, ये दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ से ए का तो मान निकल ही जाएगा, चलते उनका सोलह सोलह उनका चौंसठ, तो चौंसठ ए और प्लस चलते उनका सोती अड़तालीस और माइनस तीन है और इधर क्या आ जाएगा चलते उनका सोलह सोलते उनका चौंसठ और चौंसठ दुनी है चौंसठ में दो से गुना कीजिएगा, देखिए चार दुनी आठ छः दुनी बारह एक सौ अट्ठाईस आ जाएगा, तो एक सौ अट्ठाईस लिख दीजिए इसको, एक सौ अट्ठाईस लिखिए। फिर इसके बाद माइनस ये क्या आ जाएगा बीस और प्लस ए इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इधर ले आइएगा तो तिरसठ ए, तो तिरसठ ए बराबर इधर जो है से क्या आ जाएगा, तो इधर जो है तिरसठ ए बराबर इसको इधर लेके चले जाइएगा या ही घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ आ गया आठ आई हो गया क्या दस, तो ये हो गया एक सौ आठ, एक सौ आठ आ गया और इधर जाके इसको घटा दीजिए, तो ये सबसे पहले घटा लीजिए तो पाँच है तीन आठ तो पाँच आई चार, तो तिरसठ ए बराबर इतना, तो इसलिए ए का मान आप निकाल दीजिएगा, आप पर छोड़ दिए इसको निकाल दीजिएगा निकल जाएगा ये काम। तो देखिए 2012 में आल था। अब इसके बाद देखिए नहीं अब यहाँ क्वेश्चन एक देखते हैं, इसमें इसे भाग देने पर शेष इतना आता है तो के का मान बताइए। तो सबसे पहले तो इतना बराबर जीरो पुट करेंगे, देखिए ये एक स्क्वायर और प्लस दो बराबर कितना जीरो, तो इसका मतलब है कि एक स्क्वायर बराबर कितना माइनस दो पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप पुट कर रहते हैं तो यहाँ है एक्स क्यूब, तो इसको नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स और प्लस फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा दस के, तो इतना बराबर जो है और शेष कितना आता है शेष है माइनस दो एक्स। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान माइनस दो पुट कर दीजिए, तो यहाँ माइनस दो एक्स आ जाएगा ही और प्लस क्या आ जाएगा पाँच इंटू और एक सौ स्क्वायर है तो एक सौ स्क्वायर का मान माइनस दो पुट कर दीजिए और प्लस क्या आ जाएगा दस के बराबर क्या आ गया माइनस दो एक्स, जो शेष बचा था कह रहा था कि शेष इतना आता है तो शेष बराबर बैठा दिए, तो ये आई आपका कट जाता है। तो अब इसको जो है माइनस दस है तो उसको उस साइड लेके चल जाइए, तो दस के बराबर क्या आ जाएगा दस आ जाएगा, तो देखिए ई आई कट गया वन बार कटा, तो इसका मतलब है कि के का मान क्या आ गया वन आपका आ गया, यही हो गया आंसर। अब देखिए एक्स माइनस पाँच तथा एक्स माइनस के से एक्स माइनस पाँच तथा एक्स माइनस के इसका गुणक है, माने ई आई को गुना करते हैं तो ई आ जाता है, तो के का मान बताइए। तो चलिए ये तो निकल ही जाएगा, एक्स माइनस पाँच है और इसके बाद एक्स माइनस के है, इसको गुना करते हैं तो क्या आ जाता है तो एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स और माइनस दस आता है, इसको गुना कर ही लीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के एक्स, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा तब माइनस पांच एक्स, इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस ना जाएगा तो प्लस क्या जाएगा पांच के, इतना बराबर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस थ्री एक्स अब माइनस दस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से आपका आ गया, इतना आ गया, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं होगा तो एक लाइन और बढ़ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस पांच इन टू एक्स कॉमन ले ली, यहाँ क्या आ गया प्लस पांच के, अब बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस दस। तब देखिए अब इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स का कोफिशियंट कितना है तो इधर एक्स का कोफिशियंट क्या है एक्स का कोफिशियंट माइनस तीन है, इधर एक्स का कोफिशियंट माइनस के प्लस इतना है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि माइनस के और प्लस पाँच बराबर क्या आ गया माइनस तीन, तो माइनस माइनस खत्म कर दीजिए तो के बराबर क्या आ गया तो के बराबर आ गया तीन माइनस पाँच बराबर क्या आ जाएगा माइनस दो आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं यही माइनस दो जो है आंसर आ गया, नहीं होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पांच के बराबर क्या लिख देंगे माइनस दस, तो यहां से काट दीजिए पांच दूनी दस तो के बराबर क्या आ जाएगा माइनस दो आ जाएगा, तो ये इससे भी कह सकते हैं देखिए दोनों से इतना आया। अब आइए इसका, अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि इतना का गुणनखंड या विभाज्य जो है इतना और इतना का गुण यह और यह जो है इसका गुणनखंड है, तो कह रहा है कि एच और के का मान बताइए, तो सबसे पहले तो इससे भाग देना पड़ेगा, तो इसे अगर भाग देंगे तो एक्स प्लस वन बराबर क्या एक्स प्लस वन बराबर जीरो पुट करना पड़ेगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, इससे अगर देंगे तो एक्स माइनस दो बराबर जीरो, तो इसका मतलब है कि एक्स बराबर क्या पुट करना पड़ेगा एक्स का मान दो पुट करना पड़ेगा, तो दो पुट करना पड़ेगा, तो आप देखिए एक्स का मान जो है सबसे पहले वन पुट करके देख लीजिए एक समीकरण बना दीजिए, माइनस वन पुट करना पड़ेगा ना, तो माइनस वन के क्यूब और प्लस माइनस वन के क्यूब आ गया और प्लस क्या आ गया देखिए क्या है कि एक्स क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस छ का गुणनखंड जो है या विभाज्य है इतना और इतना से विभाज्य, तो के और एच का मान बताना है, तो सबसे पहले इतना बराबर जीरो पुट कर देंगे एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस वन, हाँ एक्स माइनस टू बराबर अगर जीरो हम पुट करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा दो आ जाएगा, तो एक्स का मान सबसे पहले माइनस वन इसमें पुट कीजिए तो माइनस वन के क्यूब प्लस के इंटू माइनस वन के स्क्वायर और प्लस के जी एच इंटू माइनस वन और प्लस छः बराबर जीरो, तो देखिए यहाँ माइनस वन के स्क्वायर करेंगे वन आ जाएगा तो के माइनस एच आ गया, के माइनस एच बराबर ये क्या आ जाएगा ये माइनस वन और छ तो बराबर के फिर उस साइड जाएगा तो माइनस पाँच आ जाएगा, तो यह आपका आ गया पहला समीकरण आ गया। इसके बाद अब एक्स का मान जो है सर दो फुट कीजिए, तो दो फुट की कर रहे हैं इसमें, तो देखिए दो के क्यूब प्लस के इंटू दो के स्क्वायर प्लस एच इंटू दो प्लस छ बराबर जीरो, तो देखिए दो दूनी चार के और प्लस क्या आ गया टू एच बराबर क्या आ गया आठ छः चौदह उधर गया माइनस चौदह, तो देखिए दो कॉमन लेकर के इधर कॉमन दो लेकर के काट दिए तो दो से काट दिए दो दूनी चार दो सत्तर चौदह, तो ये समीकरण बन गया कितना टू के और प्लस एच बराबर माइनस सात आ जाएगा, तो देखिए टू के प्लस एच ये वाला बराबर माइनस सात आई है के माइनस एच बराबर माइनस पाँच, तो दोनों के जोड़ दिए तो देखिए प्लस एच माइनस एच है कट दिया तो ये आ गया थ्री के बराबर क्या सात पाँच बारह माइनस बारह, तो के बराबर क्या आ गया माइनस चार आ गया, के का मान माइनस चार आ गया। अब देखिए यहाँ से आइए के माइनस एच बराबर माइनस पाँच, तो के का मान दे दिया माइनस चार और माइनस एच बराबर माइनस पाँच, तो एच को उधर माइनस एच है तो उधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए तो एच बराबर क्या आ जाएगा माइनस चार और प्लस पाँच यानी एक आ गया, एच का मान और के का मान निकल गया। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको ध्यान रखिए।